नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पेशावर जालवी वर्सेस कराची किंग्स के बीच में जो PSL का दूसरा मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में मेरी क्या टीम रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी और क्या होने वाला है इस मैच में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा भाइयों, कल का जो PSL का मैच था बड़ा ही ज़बरदस्त गया। ग्रैंड लीग्स मिस हो गई, बस जमान खान अगर होता मेरे पास तो ग्रैंड लीग्स ही जीत जाता। कैप्टन मेरा रिजवान, वॉइस कैप्टन मेरा फ़खर जमान ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में वॉइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान उसामा मीर मेरे पास। आप आना एक बार टेलीग्राम पे, रिजल्ट देखो लास्ट मैच का, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच गया था। और भाई लास्ट सीजन जब PSL हुआ था ना, तो लास्ट सीजन मैंने कमिटमेंट करी थी कि भाइयों PSL स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि इस PSL में 10 प्लस मेगा ग्रैंड लीग्स मारूंगा। तो इस बार भी एक कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं आपसे, इस भाइयों इस PSL में 15 प्लस मेगा ग्रैंड लीग्स मारूंगा। लास्ट सीजन मैंने कमिटमेंट करी थी और 10 एक्स्ट्रा 20 मेगा ग्रैंड लीग्स अपने नाम की थी, तो इस सीजन भी 15 की कमिटमेंट है। अब देखो कितनी होती है। फर्स्ट मैच तो ठीक ठाक ही गया, ग्रैंड लीग मिस हो गई, चलो कोई नहीं, इस मैच में हो सकता है आ जाए। तो इस मैच के ऊपर बात कर लेते हैं सीधे सीधे, है ना भाइयों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो भाइयों कराची में मैच खेला जाएगा और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भाइयों एक चीज़ कॉमन है, जो भी टीम टॉस विन करती है पहले गेंदबाजी चूज करती है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इनिंग में रन चेस करना ईजी होता है। बात कर लेते हैं स्पिनर वास फास्ट बॉलर्स। तो भाइयों यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, लेकिन इस मैच में 4 स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब वो कौन से स्पिनर हैं वो मैं आपको अभी टीम बना के बता दूंगा। और भाइयों यहाँ पे बल्लेबाज भी अच्छा खासा एंजॉय करते हैं, फर्स्ट बैटिंग में अच्छे खासे रन बनते हैं, सेकेंड इनिंग में तो और अच्छे खासे रन बनते हैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में रन चेस हो जाता है। तो बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से बल्लेबाज हैं, वो कौन से 3 बल्लेबाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको अभी टीम बना के बताऊंगा। ठीक है भाई, तो सब कुछ तो मैं आपको टीम बना के ही बता दूंगा। सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पर ही, वहीं से मैं अपनी टीम ही बना लेता हूं और आपको भी समझा देता हूं कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से खेलने वाले हैं, किसको मैं लेने वाला हूं। ओपन कर लेता हूं भाई ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन ओपन हो गया भाई, टीम भी मैंने बना के रखी थी, आपको बता देता हूं क्या मेरी टीम रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो भाइयों विकेट कीपर सेक्शन में रोसिंगटन, मैथ्यू वेड, मोहम्मद आरिस और एम अखलाक, ये 4 विकेट कीपर खेलने वाले हैं। हसीबुल्ला भी खेल सकता है, 5 ही खेल सकते हैं। बात कर लेते हैं मैं लेने वाला किसको। तो भाइयों मैं यहाँ से लूँगा मोहम्मद हारिस को। मोहम्मद हारिस भाइयों PSL पाकिस्तान की पिचों पर बहुत अच्छा खेलता है, लास्ट सीजन तो पहला ही मैच खेला था और पहले ही मैच में 80 प्लस रन की इनिंग खेली थी, तो मोहम्मद आरिफ ज़बरदस्त रहेगा। बाकी आप चाहो तो मैथ्यू वेड, रोसिंगटन इनको भी ट्राई कर सकते हो, पर रोसिंगटन का मैं आपको बता दूं ये हिट और मिस है, कभी कभार वाला है और हो सकता है कल इस मैच में चल जाए, तो देख लेना। अभी फॉर्म भी अच्छा है, साउथ अफ्रीका T20 के फाइनल में सी बन के आया है, कैप्टन बना था, तो देख लेना। रोसिंगटन को आप ट्राई कर सकते हो, मैथ्यू वेड को भी ट्राई कर सकते हो, पर क्या है मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही विकेट कीपर ले रहा हूँ। अब आ जाता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में भाई जेम्स विंस है, फाइनल जीता के आ रहा है अपनी कप्तानी में, वो UAE T20 में, तो गल्फ जेंट को फाइनल जिताया है जेम्स विंस ने। जेम्स विंस भाई बड़े मैचों का प्लेयर है, बड़े मैचों में चलता है और पहला मैच है, बड़ा मैच है टीम के लिए, जेम्स विंस को मैं लेने वाला हूँ। राइट हैंडर बल्लेबाज है, ज़बरदस्त बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट हर मैच में रन बनाता है, बिल्कुल लेके चलो, भरोसेमंद प्लेयर है। बाबर आजम को लेके चलो, भरोसेमंद प्लेयर है और सबका तो CVC रहेगा बाबर आजम, लेकिन जब 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 मैंने देखा है ना इसका सी में ज़्यादा सिलेक्शन रहता है तो फ्लॉप हो जाता है, और इस मैच में फ्लॉप हो भी सकता है, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ। बात कर लेते हैं शोएब मलिक की। तो भैया ट्राई कर सकते हो, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हर मैच में ज़बरदस्त बैटिंग करके आया है, ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ।
फॉर्म बहुत अच्छा है भाई, आप बिल्कुल ले सकते हो, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरा रिस्क है ये। शार्जिल खान ओपनिंग करेगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, पाकिस्तान की पिचों पे अच्छा खेलता है, चाहो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बहुत तेज रन बनाता है, हर बॉल पे चौके छक्के ढूंढता है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन कभी कभार वाला है, कभी कभी चलता है। तो भाई ग्रेट लीग में ट्राई करूँगा मैं, इस मूल लीग में नहीं ले रहा। बात कर लेते हैं रदरफोर्ड की। तो भाई अगर पेशावर की टीम पहले बैटिंग करती है तो मेरे कहने पे आप रदरफोर्ड को ज़रूर लेना, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, हर मैच में रन बनाता है, खासकर बैटिंग फर्स्ट में, क्योंकि एंड में फिनिशिंग टच देता है। ए चली को मैं ड्रॉप करूँगा, राजा पाक्षा का मुश्किल है खेलना इस मैच में, आई खान का भी मुश्किल है, हारिस सोहेल का भी मुश्किल है, टॉम कोलर केडमोर अगर खेलेगा तो बिल्कुल लूँगा, अभी हाल फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। और यहाँ से एस अयूब अगर खेलता है तो ये ओपनिंग करता है और कभी कभार ये बॉलिंग भी डालता है, देख लेना खासकर ग्रैंड लीग्स में। बात कर लेते हैं कि भाइयों मैं लेने वाला किसको, तो मैं लेने वाला हूँ यहाँ से रोमन पोवेल को। रोमन पोवेल भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, जब भी बैटिंग करता है रन बनाता है, टिक्के खेलता है, बॉलर्स के लिए इसको आउट करना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभार ये गेंदबाजी भी करता है। तो रोमन पोवेल को बिल्कुल लेके चलो, मैं बोलूँगा आप 20 टीम में लेके चलो। तो भाइयों यहाँ से मैं 3 बल्लेबाज लूँगा, दो बल्लेबाज और अच्छे हैं यहाँ से, रदरफोर्ड और शोएब मलिक, इनको भी आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में शाकिब अल हसन नहीं खेलने वाला है, बांग्लादेश में खेल रहा है। बात कर लेते हैं इमाद वसीम की। इमाद वसीम भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, विकेट टेकर स्पिनर है, बिल्कुल लेके चलो, मैं भी लेने वाला हूँ। और क्या है कि पेशावर की जो टीम है, पेशावर की टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, तो भाइयों राइट हैंडर्स को तो बहुत जल्दी आउट करता है इमाद वसीम, और क्या है ये बैटिंग भी करता है, और पाकिस्तान की जो पिचें हैं इन पे स्पिनर्स विकेट लेके जाते हैं, लेकिन हाँ इस पिच पे थोड़ा कम, यहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा लेते हैं, फिर भी मैं इमाद वसीम को लूँगा। बात कर लेते हैं जिमी निशम की। तो भाई वो लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज, और अभी रिसेंटली फॉर्म बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है, साउथ अफ्रीका T20 के हर मैच में ड्रीम टीम में आया है, और हर मैच में विकेट छटकाए, हर मैच में ही कैच पकड़े, हर मैच में ही रन बनाए, तो जिमी निशम को मैं लेने वाला हूँ, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा प्लेयर है ये, CBC भी आप इसको ट्राई करना। बात कर लेते हैं बेन कटिंग की। तो भाई बेन कटिंग यार पुराना जैसा पहले खेलता था वैसा अब खेलता नहीं, कभी कभार वाला प्लेयर हो गया है, कभी कभार चलता है, ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, फिर भी चल सकता है, पाकिस्तान की PSL में चलता है ये, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग में ग्रैंड लीग जितवा सकता है, देख लेना ट्राई करना। बात कर लेते हैं जेम्स फुलर की। तो भाई जेम्स फुलर पूरे चार ओवर गेंदबाजी करता है अपनी, और विकेट टेकर है, विकेट चटकाता है और ये रन भी बनाता है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई मैं ज़्यादा प्लेयर नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ से बस दो ही प्लेयर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बॉलर ज़्यादा लेना है इस मैच में, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। और हाँ भाई एक बात मैं आपको बता दूँ, शाकिब अल हसन अगर खेलता है तो बिल्कुल आँख बंद करके ले लेना, वैसे तो बांग्लादेश में है, लेकिन क्या है ना कि बांग्लादेश के प्लेयर कहीं भी चले जाते हैं कभी भी, तो खेले तो बिल्कुल ले लेना, मैं भी ले लूँगा, CVC भी बना लूँगा, VC बना दूँगा अगर खेलेगा तो, कैप्टन इमाद, वाइस कैप्टन शाकिब। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर, एंड्रू डाई, उस्मान कादिर, मत हो परेशान, इन पाँचों को ले जाओ आप इस लीग में। ग्रैंड लीग की पिक्स अभी मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल लीग में तो इन पांचों को मैं अभी ले लूंगा, ग्रैंड लीग की पिक्स बताता हूँ आपको इस मैच की। एम हमजा ग्रैंड लीग में ट्राई करना, विकेट टेकर है। अरशद इकबाल ग्रैंड लीग में ट्राई करना, खासकर जब पेशावर की टीम पहले गेंदबाजी करे, क्योंकि ये डालता है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, ट्राई करना, ठीक है। एम खान, मूसा खान लास्ट सीजन हर मैच में 3-3 विकेट चटका रहा था एक एक मैच में, तो इसको बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, होगा तो मैं भी अपनी टीम में ट्राई करूँगा, अगर ये इन पांचों में से कोई भी अगर नहीं खेला तो फिर मैं वहाँ से मूसा खान को ले लूँगा। अभी भाइयों मैं यहाँ से पांचों को ले रहा हूँ, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर, एंड्रू टाई, उस्मान कादिर, पाँचों को ले लिया मैंने,
लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाइयों, मोहम्मद आमिर विकेट लेस चला जाता है। अब वो पता नहीं क्यों चला जाता है, नो बॉले भी फेंकता है, जिस पे विकेट लेता है उस पे नो बॉल फेंकता है। तो आप समझ सकते हो, है ना? ज़्यादा मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूँ। तो ये चीज़ है, देख लेना, मोहम्मद आमिर पे आप दाव खेल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ होती है। मैं तो करता हूँ भाई वो ट्राई, और वैसा हो जाता है, हटा देता हूँ मैं बहुत बार मोहम्मद आमिर को। तो भाई टीम मेरी बन चुकी है, ये मेरी टीम है। अब बात कर लेते हैं सीबीसी की। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा भाइयों, अभी तक के आपके भाई ने 132 मेगा ग्रैंड लीग्स अपने नाम कर ली है। कैसे की है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ग्रैंड लीग का सपना देखते हो तो भाइयों उस वीडियो को आप देख लो, मेरे कहने के ऊपर सपना आपका पूरा हो सकता है उस वीडियो को देख कर। और अगर आपको ग्रैंड लीग्स प्रूफ देखना है तो आप आओ मेरे टेलीग्राम पे। अभी हाल ही में 3 दिन पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच हुआ था, 10 मेगा ग्रैंड लीग सिंगल मैच में आपके भाई ने अपने नाम की थी, 10 मेगा ग्रैंड लीग्स। और उसी के जस्ट बाद शाम को भी एक और बांग्लादेश का मैच था, उसमें भी एक मिनी ग्रैंड लीग्स अपने नाम की थी, एक दिन में 11 मेगा ग्रैंड लीग्स। और अभी हाल ही में ही इंडिया बांग्लादेश का टूर हुआ था टेस्ट मैच का, 14 मेगा ग्रैंड लीग्स। आप आओ टेलीग्राम पे, पिन करके रखें रिजल्ट, एक बार देख लो मेरे कहने पे। बोलोगे यार भाई आपने तो तबाही मचा रखी है, क्या हो भाई आप, इतनी सारी मेगा ग्रैंड लीग्स हमने तो नहीं देखा। और हाँ भाइयों ये बात सही है, इस फैंटेसी वर्ल्ड में इतनी सारी मेगा ग्रैंड लीग्स कोई नहीं जीता, सिर्फ आपका भाई। तो आप आना टेलीग्राम में, बाकी वो वीडियो ज़रूर देखना। अब बात करते हैं सी और वी सी की। तो भैया कैप्टन में बनाऊंगा इमाद वसीम को, वाइस कैप्टन में बनाऊंगा पोवेल को। मुझे लगता है इस मैच में कि इमाद वसीम आएगा, बाबर आजम को उड़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ रोमेन पोवेल पे। तो भैया ये मेरी स्मॉल लीग टीम है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक वर्क नहीं करती है तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में बताया है। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।